दोस्तों आपका वॉच टाइम क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि आप जो है सेटिंग अच्छे से नहीं किए हो। अगर आप अच्छे से सेटिंग कर दोगे तो आपका वॉच टाइम 2 दिन के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, यकीन नहीं करोगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहले देख लो, ग्राफ देख लो वॉच टाइम का, किस तरीके से देखो बूम कर रहा है मेरा, और मेरा वॉच टाइम पूरा होने वाला है। दोस्तों आप देख सकते हो 3547 वॉच टाइम हो चुका है। दोस्तों तो कैसे मैंने किया है, क्योंकि आप लोग वो ट्रिक अपनाते नहीं हो। दोस्तों जो मैं ट्रिक बताऊंगा आप अपनाओगे नहीं, ठीक है? बस आप अपने मन का मर्जी हो, ठीक है? जो आता है, जो बोलता है बड़े यूट्यूबर, आप उनका सुनते हो, क्योंकि उनका तो हर चीज पूरा हो चुका है। दोस्तों अगर आपको सही चीज बता देंगे बड़े यूट्यूबर तो आप उसका वीडियो क्यों देखोगे भाई? आपका वॉच टाइम सब्सक्राइब हर चीज पूरा हो जाएगा, तो अपने काम में व्यस्त हो जाओगे, तो आप उनका वीडियो क्यों देखोगे? राइट, मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो चलो दोस्तों आज मैं पूरा बताऊंगा आपको कि YT स्टूडियो में सिर्फ आपका चैनल का लिंक डालते ही आपका 2 दिन के अंदर में आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यकीन कर लो, विश्वास कर लो, 2 दिन के अंदर में ओनली चैनल का लिंक आपको पेस्ट करना है, ठीक है? कहाँ पे पेस्ट करना है सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? ऐसा करता हूँ कि आप लोग अपनी जिंदगी में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जिंदगी में व्यस्त होंगे। मैं राजीव, आप देख रहे हो क्रिएटर राजीव। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि आपके चैनल पे 4000 घंटे का वॉच टाइम 2 दिन में कंप्लीट हो जाए, तो दोस्तों मैं आज सारा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा प्रोसेस, किस तरीके से वीडियो को मैं वॉच टाइम बढ़ाऊंगा और आपका 2 दिन के अंदर में वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। दोस्तों तो चलिए दोस्तों करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब में आ जाना है। दोस्तों तो चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे यूट्यूब में से हमको पेस्ट करना है चैनल का लिंक, ठीक है? दोस्तों तो चलिए मैं यूट्यूब में आ चुका हूँ। यूट्यूब जैसे ओपन हो जाएगा दोस्तों, ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो लोगो दिख रहा है आपका चैनल का, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है? जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों तो इस तरीके से आपका चैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर देखो पेंसिल का आइकन दिखेगा, बस पेंसिल वाले पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो दोस्तों उस तरीके से यहाँ पर देखो शो हो जाएगा, इंटरप्रेस ओपन होकर के शो हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हो आपके सामने, और यहाँ पर देखो यहाँ पर लिंक आपका दिख रहा है चैनल URL, ठीक है? तो आपको यहाँ पर जो कॉपी वाला दिख रहा है ऑप्शन दोस्तों, बस यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है? इतना ध्यान रखना, चैनल का लिंक कॉपी करना, वीडियो का नहीं चैनल का, ठीक है? ध्यान में बैठा लो, ठीक है? उसके बाद करना क्या है, आपको आ जाना है यहाँ पे क्रोम में, ठीक है? क्रोम में देखो मैं यहाँ पे ओपन करके रखा हूं अपना चैनल, ठीक है? और मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा आपको, यहाँ पर थोड़ा जूम करके मैं दिखाऊंगा आपको। देखो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पर सेटिंग दिख रहा है दोस्तों, छोटा जैसा सेटिंग जो दिख रहा है, बस इस सेटिंग वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो दोस्तों तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 4-5 ऑप्शन आते हैं, लेकिन हमको एक ही ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो चैनल वाला यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, बस चैनल वाले पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक ना भैया? जैसे आप क्लिक करते हो तो इस तरीके से इंटरफेस यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है? ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आप टैग का चैनल है तो यहाँ पर मनोज डे का नाम जरूर लिखना, क्योंकि टैग का सबसे बड़ा यूट्यूबर मनोज डे है, ठीक है? उसके बाद स्प्रेडिंग ज्ञान, देखो मैं सारे क्रिएटर का जो भी मेरे कैटेगरी का है यहाँ पर मैं लिख के रखा हूँ, नित्या के सपोर्ट क्रिएटर बिनो, टैग चैंपियन सपोर्ट क्रिएटर सर्च, उसके बाद गरीब एमएस ब्लॉक स्प्रेडिंग ज्ञान एक्टिव राहुल, सभी का मैं यहाँ पे लिख के रखा हूं दोस्तों। क्यों? तब तो मेरा आज चैनल रैंक कर रहा है दोस्तों। इस तरीके से अगर आप भी करते हो तो आपका भी रैंक करेगा और वॉच टाइम 2 दिन के अंदर में 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों तो करना क्या है, यहां पर देखो यहां पे जब लिखा हूं मैं यहां पे क्लिक करना है ऐसे थोड़ा नीचे में, और यहाँ पे चैनल का लिंक जो हम अभी कॉपी किए हैं, बस यहाँ पर देखो इस तरीके से आप क्या करना, पेस्ट कर देना। देखो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, आप देख सकते हो, आपके सामने मैं दिखा देता हूँ,
पेस्ट हो चुका है। थोड़ा बैक करके दिखाता हूँ दोस्तों, जूम किया था। यहाँ पर देखो दोस्तों कि मैं चैनल का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ, अब ये काम करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपका ब्लॉगिंग का चैनल है तो सबसे बड़ा यूट्यूबर सौरभ जोशी है आपका, सौरभ जोशी का जरूर यहाँ पे नाम लिखना, ठीक है। इससे लिखने से क्या होता है, मैं सारा चीज आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा, ठीक है। जो भी म्यूजिक का हो, जो भी आपके कैटेगरी का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, उसका नाम यहाँ पर जरूर डालना दोस्तों। इससे क्या होगा ना, जब आप वीडियो को पब्लिश करोगे तो उनका वीडियो के नीचे में आपका वीडियो रिकमेंड करेगा। जब रिकमेंड करना स्टार्ट कर देगा यूट्यूब, तो आपका वीडियो को जरूर देखेगा, क्योंकि वो लोग का सब्सक्राइबर कितना है, करोड़ों में है, और मेरा जैसे टैग क्या है, सबसे बड़ा यूट्यूबर मनोज डे, तो उसका 6 मिलियन से ज्यादा है। तो अगर वहां पे 2-4 हजार आदमी भी देखता है, तो एक दिन के भी अंदर में आपका कंप्लीट हो सकता है वॉच टाइम। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का घंटा को प्रेस कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।